दोस्तों, तजाकिस्तान, शायद आपने पहले इस देश के बारे में सुना हो। ये देश मध्य एशिया के हिस्से में आता है। यहाँ के पहाड़, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की बेमिसाल महिलाओं के बारे में हर कोई जानने को उत्सुक रहता ही है। अगर आप वीडियो को एक लाइक कर दें तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। आइए जानते हैं इस अमेजिंग देश के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, तजाकिस्तान एक बहुसंख्यक मुस्लिम देश है, जहाँ की 90% आबादी इस्लाम धर्म को फॉलो करती है और इस देश में कुल 96 लाख के आसपास लोग रहते हैं। अधिकांश मुस्लिम देशों में महिलाओं को पहले अधिक छूट नहीं दी जाती थी, लेकिन तजाकिस्तान में महिलाओं को इतनी आज़ादी मिली हुई है कि ये अपनी मर्जी से देह व्यापार तक कर सकती हैं और यहाँ पर ये काम कानूनी रूप से भी मान्य है। दोस्तों, तजाकिस्तान चीन, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान से घिरा हुआ एक लैंडलॉक देश है, यानी इसकी सीमा के चारों ओर कोई ना कोई देश आता है। यूनाइटेड नेशन के टूटने से पहले इस पर यूएन ने शासन किया है और साल 1991 में यूनाइटेड नेशन के टूटने के बाद तजाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। इस देश को काफी जवान देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के 60 लाख से ज्यादा लोग केवल 30 साल से भी कम उम्र के हैं। यहाँ की शादियाँ काफी अनोखी होती हैं। इनकी शादी का समारोह 7 दिनों तक चलता है। पहले दिन दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी का ऐलान करते हैं और अपने परिवार के साथ अलग अलग खाना खाते हैं। ये सिलसिला 3 दिनों तक चलता रहता है। शादी से पहले 5 दिनों तक दुल्हन अपने माता पिता के घर ही रहती है और 6ठे दिन दुल्हन अपने माता पिता के साथ दूल्हे के घर चली जाती है और वहीं पर रात बिताती है। और यहाँ पर हनीमून 40 रातों तक सेलिब्रेट किया जाता है। एक हैरानी की बात यह है कि तजाकिस्तान में महिलाओं को साइकिल नहीं चलाने दी जाती। असल में यहाँ के लोगों का मानना है कि साइकिल पुरुष की सवारी है और अगर कोई लड़की साइकिल चलाएगी तो वह कुंवारी नहीं रहेगी। दोस्तों, तजाकिस्तान के लोग हिंदी मूवीज के बड़े शौकीन होते हैं और इन्हें बॉलीवुड मूवीज देखना भी काफी पसंद होता है। इस देश की कैपिटल दुशंबे सिटी है, जो तजाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। और शायद आपको ना पता हो, दुशंबे का मीनिंग होता है सोमवार। यहाँ के लोग फ्लावर्स को काफी पसंद करते हैं और सिर्फ फूलों की रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक सरकारी छुट्टी भी दी जाती है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को डांस करना भी काफी पसंद होता है। दोस्तों, यह पूरा देश कुल मिलाकर फैला हुआ है 141,400 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में। यहाँ पर करेंसी चलती है सुमोनी, जो एक तजाकिस्तानी सुमोनी भारत के 7.80 रुपए के बराबर आती है। यहाँ के अधिकांश लोग सब्जियाँ, अनाज, फल और कपास की खेती करते हैं और अपने पड़ोसी देशों को इन्हें निर्यात करके पैसा कमाते हैं। इस कमाल के देश में लोगों के जीवन का इतिहास काफी पुराना है। दोस्तों, तजाकिस्तान का सबसे प्रमुख त्यौहार नवरोज है, जिसे साल की शुरुआत के दिन के रूप में मनाया जाता है। जब यह देश आज़ाद नहीं हुआ था, यहाँ पर इस त्यौहार पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ था, लेकिन आज नवरोज के दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपने परिवार के घर जाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। तजाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग राजधानी दुशंबे में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख शहर खुजद, तुलोब, कुगुरने टेप्पो, पंजा कैंट, वहदत, हिसोर, कोनी बोदोम और दांगरा हैं। तजाकिस्तान को अपने पहाड़ों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ इमेनी इस्माइल समानी पीक है, जो 24,590 फीट जितना ऊंचा है। टूरिज्म के लिहाज से यहाँ पर हर साल 13 लाख से भी ज्यादा लोग टूरिस्ट बनकर घूमने आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए देश के अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।